धन्यवाद सभापति महोदय। आदरणीय सिंधे साहब, आप रविंद्र पांडे साहब पर आपका क्वेश्चन पूछिए। आपका क्वेश्चन मेरा प्रश्न है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि कोई यह मानसिकता दिखाई देती है, गवर्नर रूल में लगातार एडवर्टीजमेंट हो रहा है, पहली बार आपको दिखाई देगा कि टेलीविजन चैनल का किस तरह से, और जब नामधारी जी कह रहे थे कि कोई गलत नहीं कर रहे थे, गवर्नर अपनी पब्लिसिटी नहीं करता है। मेरा सवाल यह है कि वहां संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, और अर्जुन मुंडा के ऊपर जो आरोप है वो गलत आरोप है, और डोमिसाइल है जिसके कारण कि हाईकोर्ट का एक आदेश है कि डोमिसाइल पूरे देश का होता है, पूरे राज्य का नहीं होता है, और दो चीजें हैं जो कि आप झारखंड को किस तरह से लूटने का प्रयास कर रहे हैं कि एक पंचायत चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण झारखंड में नहीं हुआ था, किसी सरकार ने नहीं रोका था, और सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के बाद पंचायत का चुनाव हुआ, और आपके यहां हमारा 6,000 करोड़ रुपया बकाया है, और दूसरा पेंशन है, संजोग से वित्त मंत्री जी बैठे हैं, वहां बाकी है। दूसरा प्रश्न, मतलब प्रश्न ये है कि पेंशन फंड का चेयरमैन साहब, सभापति महोदय, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 1956 के बाद से जितने भी राज्य बने हैं उस राज्य में पॉपुलेशन के आधार पर पेंशन का बंटवारा हुआ है, चाहे किसी भी राज्य का हो, और हमारे यहाँ आप जो है संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के संख्या के आधार पर कर रहे हैं, और 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान झारखंड को हो रहा है। मेरा आपसे केवल दो प्रश्न है कि पंचायत चुनाव के बाद जो हमारा 6,000 करोड़ रुपया बकाया है वो आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, और दूसरा पेंशन में जो पूरे देश भर में नियम लागू है जनसंख्या के आधार पर, वो नियम आप हमारे यहाँ क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, और इसमें केंद्र सरकार को क्या समस्या है, या झारखंड को कैसे आप लोग बर्बाद होने देना चाहेंगे, आप इसका जवाब झारखंड की जनता को दीजिए। मिनिस्टर साहब, यू वांट टू आंसर फॉर दैट? पहला जो सवाल है उनका, उसमें तो पहला इन्फॉर्मेशन देने के बाद ही मैं उसकी मालूम दे सकता हूँ। एट 11th आवर ही इज आस्किंग मी, इट इज आई एम अनेबल टू गिव रिप्लाई, यू सी, बट इफ यू वांट, यस, ही कैन रेज। But the second question, the finance minister is here. He has raised this, is that he will get reply from the finance minister. Yes.